नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरडी सर्विस की, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उस पर मैंने लिखा था आज से बंद हो जाएगी फिंगरप्रिंट डिवाइस। और मैंने आपको एक फिंगरप्रिंट रजिस्टर करके भी दिखाई थी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है फेक वीडियो है सर, मेरा नहीं हो रहा, इनवैलिड सीरियल नंबर बताता, सभी की में प्रॉब्लम आ रही, केवल आप वाले में नहीं आ रही है। तो उसका क्या सलूशन है और कैसे आप रजिस्टर करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने कल रजिस्टर किया था डिवाइस, मेरे पास दो डिवाइस है। पहला रजिस्टर मुझे पीएनजी दिशा में वर्क करता हूं तो उसमें मुझे मिला था, तो जो सीएससी की तरफ से डिवाइस मिल रही है, आप वहाँ से आपने परचेज की है, तो वो तो डायरेक्ट सीएससी पोर्टल से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो जा रही है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था जो प्रोसीजर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर आपने कहीं से बाय किया है अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं अदर से, तो वो उनमें सब में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इनवैलिड सीरियल नंबर बता रहा है, तो उसका क्रॉप कैप प्रोसीजर है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है। और जैसे मैंने जो कल बताया था, जैसे आप यहाँ पे आरडी सर्विस लिखते हैं, और तो आपको पता ही होगा बायोमेट्रिक्स क्लिक है, इस पर क्लिक करना रहता है। मैंने वीडियो बना रखा, आप उसे देख लें कि उसमें टाइम वेस्ट मत करें। हम बात करेंगे आज जिनका इनवैलिड सीरियल नंबर बता रहा था, उनको कैसे रजिस्टर करना है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो आप सिंपल यहाँ पे आरडी सर्विस अपने किसी ब्राउजर पे लिखिएगा, ठीक है, आरडी सर्विस। जैसे आप इस पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आरडी सर्विस ऑनलाइन पर आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों एक साइट है, ये आपको रजिस्टर करने का पैसा ले रही है, लमसम 375 रुपये इसका फीस है। इसके बाद टैक्स वैक्स जुड़ के 400 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। ये मार्फो यूजर्स के लिए है, अगर मार्फो आप डिवाइस मंत्रा के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे आप मार्फो का अगर यूज कर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर तीन तीन स्टेप आपको दिखाए गए हैं, प्रोवाइड क्वान्टिटी एंड डिवाइस डिटेल्स, लॉग इन टू कम्प्लीट चेकआउट एंड रिव्यू कार्ड एंड पेमेंट। तो सपोज दैट आप इसका करना चाहते हैं मार्फो का, तो बाई आरडी सर्विस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए आता है क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दे कितने दिन के लिए आप वैलिडेट करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए आप करते हैं, क्वांटिटी 1 ही है। सबसे आपको अपना सीरियल नंबर यहाँ पर डालना होगा डिवाइस का, ठीक है। याद रखें, मैंने कल बताया था बीच में ये आई है दोस्तों, कैपिटल आई ज़्यादातर बना है, और इसको आप ध्यान से डालें। तो ये वैलिडेटिंग करेगा, देखिए डिवाइस सीरियल नंबर वैलिडेटिंग, जैसे आप वैलिडेट कर लेगा, देखिए डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड। अब आपको करना होगा, अगर और कोई दूसरी डिवाइस करना है तो ऐड डिवाइस एक और कर ले, नहीं करना है तो बस ऐड टू कार्ड करना होगा। सॉरी, मॉडल नंबर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मॉडल नंबर 1300 MSO 1300E2 था, ठीक है, ऐड टू कार्ड करना होगा, बस ऐड होगा, व्यू कार्ड करना होगा। ये आपका जो पेमेंट दिखा था 375 रुपये, ठीक है, अगर रजिस्ट्री नंबर है डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, चेकआउट करें, बस चेकआउट सबमिट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, तो अगर आप पहले से यूजर इस पर क्रिएट कर चुके हैं, तो अपने ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन करें, नहीं तो क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। आपको सिंपल सा मोबाइल नंबर अपना डालना होगा और वेरीफाई कराना होगा, और अपना अकाउंट क्रिएट करके इसको परचेज कर लेना होगा। 375 रुपये जो कॉस्ट है, जीएसटी भी लगेगा आपका, कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, तो 400 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये इसका प्रोसीजर है, अभी मैंने नहीं किया, हो सकता है अभी आप रुक जाए, अगर आपने कल नहीं कर पाए हैं तो आपका डिवाइस तो वैसे ही बंद करना कर देगा। और हाँ, ये बात और क्या दोस्तों, अब होगा क्या जिसने रजिस्टर नहीं कर पाया, उनका क्या होगा, ये अहम सवाल आता है। तो दोस्तों आप ये तो बिल्कुल कंफर्म है, अगर डेट नहीं बढ़ती है, जो रात में मैं आज वीडियो सुबह बना रहा हूँ, रात में अगर डेट कल नहीं बढ़ी होगी, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो जाहिर सी बात आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पीएमजी दिशा का हो, ई केवाईसी कोई भी रिलेटेड काम हो, चाहे वो सिम एक्टिवेशन का हो, किसी का भी हो, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उसका सोल्यूशन ये होगा कि आपको अगर कोई सोल्यूशन सीएससी नहीं देता है, तो आपको यहाँ से आरडी सर्विस परचेज करनी पड़ेगी, 375 रुपये अप्रॉक्स खर्च करके 1 साल के लिए, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है इसका दोस्तों, मुझे सवाल इस आंसर का। तो आपका अगर डिवाइस बंद, आज से बंद तो हो ही जाएगा अगर रजिस्टर नहीं हो पाया, तो उसका सोल्यूशन एक ही बचता है, अगर सीसी वाले सोल्यूशन नहीं देते, तो आपको यहाँ पर आकर रजिस्टर करना पड़ेगा, 375 रुपये खर्च करने के बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। तो उसका ये सोल्यूशन था, तो मैंने सोचा बता दूं, क्यों मैंने जब कमेंट्स पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों, लोग बता रहे फेक वीडियो है। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ फेक नहीं देता हूँ आपके आपके लिए, और मैं इसी के कारण बस इसी कारण वीडियो बना रहा हूँ,
मैंने सोचा आप लोगों को पता होगा कि जो पीएमजी दिशा से मिले हैं डिवाइस वही के वह रजिस्टर्ड हो रहे हैं वहां से, नहीं तो आपको 375 रुपये खर्च करने पर। इस वजह से मैंने वहां पर कोई ये बात कोई चर्चा नहीं की थी, उसके लिए सॉरी। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है आपका फेक वीडियो है सर ये है वो है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं फेक आपको कभी नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी दूंगा सच दूंगा, इसलिए मैंने आपको सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बिल्कुल एक क्लियर कट समझ लीजिएगा कि वहां पर केवल सीएससी से मिली हुई डिवाइस ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं बाहर से खरीदा है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, 375 रुपये खर्च करने पड़ेंगे जब तक कोई सीएससी सोल्यूशन नहीं निकालता है। तो अगर निकालता है तो उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर मुझ पर फिर भी कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप लोग लिख देते हैं कमेंट में, ठीक है आपका ओपिनियन है मुझे बुरा नहीं लगता, बट थोड़ा कष्ट होता है कि आप लोग फेक मत बोला करिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे शेयर जरूर करिएगा, और उससे मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों ने अपने हिसाब से सही लिखा, बट प्लीज़ इसको थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि मैं आपको फेक कभी नहीं दूंगा। हाँ अगर गलती होती मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द लाइव आने वाला हूँ दोस्तों, अभी तक मेरे यहाँ कोई लाइव वीडियो नहीं आया है, और तो मैं जल्दी से लाइव आऊँगा और इसके बाद आपको आपके सवालों के अच्छे से जवाब दे पाया करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो अभी 1-2 दिन और वेट कर लें, इसके बाद शायद कोई सोल्यूशन आ जाए, नहीं तो फिर आपको 400 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँगा दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आपका वहाँ से मिला है सीएससी की तरफ से डिवाइस मिला तो उसको कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं और वेरीफाई करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।